अस्सलामुअलैकुम क्लास वन, मैं हूँ आपकी टीचर मिस तहरीम और मैं आप सबको ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों सफ़ा नंबर 78 पर आ जाएं क्योंकि अब हम पेंसिल की कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलें अब हम पेंसिल की कहानी का आगाज़ करते हैं। पेंसिल की कहानी। प्यारे बच्चों आप सब मुझे जानते हैं ना? अरे भाई आप अपनी कापियों पर मुझे ही से तो लिखते हैं। हाँ ठीक समझे आप, मेरा नाम पेंसिल है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। पहले मैं आराम से एक दरख्त में रहती थी, फिर मुझे दरख्त से अलग किया गया, मुझे बहुत दिन तक ठंडे पानी में भिगोया गया, फिर मुझे तराशा गया और मेरे जिस्म में सिक्का दाखिल किया गया। सिक्के की नोक से ही आप लिखते हैं। फिर मुझे बहुत सारे रंगों में डाला गया। बच्चों अब अगले सफ़े पर आ जाएं। फिर मैं दुकानों से आप तक पहुंची। मैं लिखने में आपकी मदद करती हूं, आपके बहुत काम आती हूं। अगर मैं ना हो तो आप लिख नहीं सकते, मगर कुछ बच्चे मेरा ख्याल नहीं करते, मुझे मुंह में रख कर ज़ोर ज़ोर से चबाते हैं, मुझे छील छील कर जल्दी ख़त्म कर देते हैं। कुछ बच्चे मेरी नोक दूसरे बच्चों को चुभोते हैं, उस वक्त मुझे बहुत अफसोस होता है। इसी तरह मुझे इधर उधर उछालना और फेंकना भी बुरी बात है। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपनी चीज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरा इस्तेमाल ठीक तरह से करेंगे। आपकी दोस्त पेंसिल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ आ गया होगा। अब अगली क्लास में हम इसका काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।